हाँ राजा भाई का खाना बहुत ही अच्छा था। दोपहर को हम लोग राइस लिए थे, वो बहुत बढ़िया था। अभी चिकन लिए, बहुत बहुत सही बना है, बहुत सही बना है। और रूम भी अच्छा था वो, और हाँ होटल सब का जो रूम थोड़ा है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत अच्छा था। ये बाथरूम बहुत भी वॉशरूम अच्छे थे वॉशरूम्स बहुत और घर का भाई। जो दीवार पे भाई जो कस्टमाइज करा है वो भी बहुत ओपी है। फिर भी ये जो पेंट है ये बहुत 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 बढ़िया अच्छा है, है ना। और खाना भी बहुत हेल्दी खाना है, और वेजिटेरियन खाना वो है। जो बैल्कनी है ना वो हाँ तो जो इमेज ऑसम वाला बहुत सही बना है, होटल का लोकेशन बहुत सही है, बहुत लोकेशन भी बहुत सही, इधर से सब अच्छा। कुछ व्यापार सर आसपास भाई मिल जाता आप है, मैं खाना भी एक बहुत एक करके बढ़िया। सबसे पूछता हूँ ना। आप बोले हाँ सर। जो पब्लिक स्पेस है वो भी बहुत बढ़िया है, खाना भी बहुत बढ़िया है, और रूम्स भी बहुत बढ़िया है। आप कुछ बोले सर। होटल का लोकेशन बहुत सही है, हम लोग महल से बहुत करीब हाँ है, महल से बहुत ही करीब है, तो ऊपर खाना नीचे चढ़ाई नहीं है, एकदम रोड नहीं नहीं लेवल में हमने है ना। सब बाकी बोल दिया खाना हाँ वगैरह। आप बोले सर। मैंने तो बोल दिया पहले ही, बोल हाँ दिया आप ही फिर से बोले, मैं पूछ रहा तो फिर से कुछ बोल वो दीजिए। अच्छा है, मतलब खाना बहुत खाना अच्छा है, अच्छा रूम भी था। अच्छा लगा, ओके सब आप कुछ सर अच्छा था। खाना बहुत ही अच्छा है, कहाँ से आए आप छोटा लोग। हम लोग आए कोलकाता से। कोलकाता से। हाँ अभी बोले सर आप। आप क्या ही बोलूँ, सभी कुछ सब कुछ बोलने का कुछ है ही नहीं मेरे पास। अच्छा नहीं लगा कुछ। खाना से लेके रूम्स बाथरूम इवेंट सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। हाँ बोले सर आप। हाँ मेरे वो कॉमन रूम बहुत अच्छा लगा, वाशरूम्स बहुत वेल मेंटेन्ड है, जो एक बहुत मतलब जी। इम्पोर्टेंट बात हाँ है। वॉशरूम सबसे अच्छा वाशरूम्स है बहुत, सबसे। और एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि आज क्लाउडी था, वरना मैंने सुना कि उधर से माउंटेन्स भी दिखाई देते हाँ हैं। हाँ तो हम लोग का छत भी, आप लोग सुबह जाइएगा छत से भी माउंटेन दिखता है, और आपका रूम का लॉबी जो है वहाँ हाँ से भी दिखता लॉबी से है। तो हाँ जी जी मोस्ट प्रॉब्ली 4 नंबर रूम से भी दिखाई देता हाँ है। 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये तीनों रूम व्यू वाला रूम है, वो रूम से भी दिखाई दे रहा है। आप लोग का जो रूम बुक था वो नॉन व्यू रूम था, वो अपोजिट वाला व्यू है। आप लोग को ऐसे लॉबी से भी दिखाई देगा, आप लोग को तो सुबह टाइगर जाना है या गाड़ी आपका 4 बजे आ जाएगा, वहाँ से अगर गुड लक हुआ तो वहाँ से भी देख सकते हैं बहुत बढ़िया, बहुत आप बोलिए बढ़िया। सर कुछ। होटल बहुत बढ़िया है, हाँ रूम्स बहुत क्लीन है और वेल मेंटेन्ड है। जी यहाँ खाना और यहाँ के जो हमको जो संभाले राजा भाई और उनके जो जी थे, हाँ वो बहुत ही प्यारे लोग थे, जी जी सबको थैंक आना यू सो मच चाहिए सर। सच कपल्स के में। लिए जी बहुत जी बढ़िया, कपल्स के लिए भी बहुत बढ़िया, ओके आप बोले सर। बहुत ही बढ़िया, मतलब सब लोगों ने तो बोल ही दिया है, तो जी बहुत ही बढ़िया, वेल मेंटेन्ड है, और सब साफ सफाई वगैरह सब अच्छा है, वॉशरूम वगैरह रूम वगैरह बहुत ही अच्छा है, और खाना भी बहुत सुपर है, जी मतलब जी एक ये तो भी रूम खाना। का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था टॉयलेट, हम हाँ लोग का टॉयलेट वो बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और ना। मेरा तो मेरे को तो पर्सनली वो रूम का जो दीवार है ना हाँ हाँ वो वो लाइट, जी जी हाँ ठीक है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। आज क्या बोला सर। ये बोलो तो बाथरूम ही रह रहे थे, नहीं हम इतना लोग अच्छा का बाथरूम भी बाथरूम। बड़ा है ना, और और दूसरा सबसे अच्छी बात हाँ कि टीवी में सभी चैनल हम लोग भी रिचार्ज भी ज़्यादा करते हैं ना, 350 का करते हैं, हर हाँ महीने में 3,500 का 10 रूम का हम लोग को रिचार्ज कर देना पड़ता है, और 1,000 वाईफाई का, फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड हम लोग बहुत गेस्ट। होता है ऐसा कि वाईफाई है हाँ ऐसा होता फ्री है वाईफाई कि है कुछ कुछ जगह पे नेट नेटवर्क का नहीं रहता, हाँ तो ये सबसे ज़्यादा ये सब जगह पे नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत वाईफाई हाँ। यहाँ पर अभी हम लोग का वाईफाई है, क्योंकि हम लोग का नीचे नेटवर्क थोड़ा कम रहता है, ऊपर में तो सब नेटवर्क रहता है, तो जब मैं नीचे रहता हूँ तो मुझे वाईफाई में सिर्फ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है, इंपॉर्टेंट कॉल रहने से मैसेज से देख लेता हूँ, तो वही है। मैं आप लोगों को खाते खाते वीडियो बनाया, डिस्टर्ब हुआ आप लोगों को भी, वो डिस्टर्ब हुआ तो सॉरी नहीं होता, ओके सब लोग थैंक यू। तो ठीक है फिर आप लोग का कोई आने से इधर भेज सकता है रिव्यू, तो आप लोग फिर से आएंगे तो आपके होटल तो कल मेरा चैनल को आप लोग सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है ओके थैंक यू सर ओके। अभी इधर नाजिम क्या कर रहा है, रोटी बना रहे अभी हम लोग रोटी बना रहे हैं। सर लोग को हम लोग दे दिया, ये है सब्जी, आलू बंदा गोभी का दाल इसमें था, इसमें भी सब्जी था और इसमें भी चिकन था, सब दे दिया। और कुछ चल फिर रोटी बेलना सीख लो मेरे से। रोटी बना रहे तो खत्म करें यहीं पर, मुझे मुझे तो देखना जरूरी है ना, मैं दिखा दूँ क्या फिर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसी स्टाइल में ब्लॉग पर बनाए रखना जरूरी है ना भाई। आप लोग को अगर दार्जिलिंग आना है और हम लोग को होटल का खाना खाना है तो जरूर आइएगा, नाजी मिल जाते एक बार। चलो रखो बाय बाय।